सिग्नल पावर्ड बाय क्यू मोबाइल और आज है टॉप एट की फाइनल बाजी। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आइडल। सुर ताल साज आवाज, एक जबरदस्त मुकाबला जारी है हमारे टॉप एट के दरमियान। हमारी अगली फाइनलिस्ट रोजमेरी, जिनकी आइडल पिछले 70 साल से दुनिया भर के करोड़ों दिलों पर राज कर रही हैं। फ्रॉम मधुबाला टू माधुरी, अनगिनत एक्टर्स का करियर इनकी प्लेबैक सिंगिंग के बिना अधूरा है, जिनकी आवाज ही पहचान है। प्लीज वेलकम रोजमेरी। मेरी आइडल है लता जी, लता मंगेशकर, और वो इसलिए क्योंकि वो मेलोडी की क्वीन है। अगर लता मंगेशकर जी मेरे सामने आएंगी तो मैं तो पहले तो एकदम शॉक रह जाऊंगी, उसके बाद उनका कहूंगी कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं इस बार लता मंगेशकर जी का 16 बरस की बालियों में उनको सलाम गाने जा रही हूँ। लता मंगेशकर जी की सिंगिंग में एक खास बात जो मुझे लगती है, जो किसी और फीमेल सिंगर में मैंने आज तक नहीं देखी, कि उनकी जो सांस की आवाज़ है वो रिकॉर्डिंग में मतलब हमें सुनाई नहीं देती। वो एक मिरेकल सा होता है कि उनकी सांस की आवाज़ भी नहीं आ रही होती और वो गा रही होती पूरा गाना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है उनमें। मैं आई हूँ लता जी का एक बहुत ही फेमस गाना परफॉर्म करने और उम्मीद है कि आप सबको इसमें लता मंगेशकर की झलक नजर आएगी। पंद्रह बरस की रोजमेरी का लता मंगेशकर को सलाम कैसा लगा जजेस? अली, मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता कि रोज जो हैं वो वाकई 15 साल की हैं, क्योंकि इतनी मैच्योरिटी इन्होंने अभी तक दिखाई है एंड फॉर एज, और वो जिसको कहते हैं ना कि इन मगरमच्छों में जिंदा रहने के लिए ये सिर्फ हमारी तरफ से जजेस की तरफ से रोजमेरी को सलाम। व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। थैंक यू सर, थैंक यू। रहीम शाह, इतना उम्दा गाया इसने, इतना उम्दा गाया है कि मैं कुछ करने वाला था लेकिन मैंने कहा नहीं, मजाक में बात चली जाएगी। मैंने इससे पहले भी सुना है लेकिन आज जो मैंने सुना है, आज मैंने आवाज को ऐसे थोड़ा सा लहराते हुए देखा है। कौन सा लहराना? प्यारा वाला आवाज निकाली है आपने, बहुत उम्दा गाया है, बहुत अच्छा।
छोटी सी चिड़िया फुर करके उड़ गई, आज मजा आ गया बहुत। और लता जी का एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से गाया, कोई ऐसा फ्लॉ नहीं है जो हम पॉइंट आउट कर सकें। आज सांस वांस सब भर के आई थी, सिलेंडर तो नहीं लगा पीछे, जरा चेक करें कोई? नहीं नहीं यार, कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर वगैरह कहीं फ्रॉक में कहीं कमीज में है? और ये 15 बरस में 16 बरस का गाना नहीं, कोई 28 एक बरस का गाना गाया है इन्होंने इस वक्त ना।